हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे लीफ की सेक्शन कटिंग कैसे की जाती है और स्लाइड कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हमें लगेंगे लीफ, स्लाइड, कवर स्लिप, ब्लेड, ड्रॉपर, ग्लिसरीन, सैफ्रनिन, वॉच ग्लास जिसमें हमने सैफ्रन सॉल्यूशन डाला है, ये वॉच ग्लास जिसमें हमने पोटैटो के छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है उसको, दो वॉच ग्लास जिसमें कि वाटर डाले हैं हमने, एक ब्रश। अब हम स्टार्ट करते हैं लीफ की सेक्शन कटिंग। ये लीफ ले लिया हमने। अब ये लीफ के जो मिडरिप दिख रहे हैं, इस मिडरिप को हम को लेते हुए हम छोटा सा कट करेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है, ये इसको हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। अब हमें पोटैटो के जो हमने क्यूब्स कट किए थे इसको लेंगे और प्लेट लेंगे। अब इसको यहाँ से बीच से होते हुए इसको काटना है, लगभग 2/3, 2/3 इसको कटिंग करनी है, पूरा कट नहीं करना है, सिर्फ 2/3। ये देखिए हमने कट लगाया है, पूरा नहीं कट किया, कम से कम 2/3 आपको कट करना है। अब ये जो हमने सेक्शन काटा था इसको हम लेंगे और इसको इसके बीच में जो कट था इसके बीच में हमको डालना है ऐसे। ब्लेड से जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। अब इसको दोनों उंगलियों से ऐसे प्रेस करते हुए इसको हम कट कर लगाएंगे, सेक्शन कटिंग इस तरीके से, और ब्रश की मदद से इसको जिस वॉच ग्लास में पानी था ट्रांसफर करते जाएंगे। ये हमने सेक्शन कटिंग कर ली। अभी हम बनाएंगे स्लाइड प्रिपरेशन। अब हम करेंगे स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड लिए, इसको हम 2 से 3 मिनट तक के सैफ्रन सॉल्यूशन में डाल दिया हमारे सेक्शन को। ये जो सैफ्रन सॉल्यूशन में हमने जो डिप किया था सेक्शन, इसको हम वाटर में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो रिमूव हो जाए। अभी सेक्शन को हम लेंगे स्लाइड में, ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे ड्रॉपर की हेल्प। अब हम ग्लिसरीन डालेंगे इसमें, कवर स्लिप लेंगे, ये देखिए ये आपकी स्लाइड प्रिपेयर होगी। अब इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। थैंक यू।